मुख्यमंत्री में बात उस लीडर की जिसने राजस्थान की चुनावी बाजी ही बदल दी। इनका अंदाज इन्हें सबसे जुदा करता है। सियासत की इस महारानी का कोई सानी नहीं है, नाम है वसुंधरा राजे। गर्वीली अदा, आत्मविश्वास से लबरेज चेहरा, और आश्वस्त करती उपस्थिति, जरूर सुने एक साथ गारंटी का पेश। मैं कहती हूं कि जब इन लोगों ने अपने वादे पूरे नहीं किए, ये गारंटी को पूरा करने वाले है नहीं। इनका अनोखा अंदाज इन्हें अपरिहार्य बनाता है, तभी तो ये राजस्थान की सियासत की महारानी कहलाती है। भैरव सिंह शेखावत के बाद राजस्थान में बीजेपी को नई ऊंचाई देने वाली वसुंधरा राजे का सियासी सफर सफलताओं की कहानी है तो निजी जीवन संघर्षों की अनंत गाथा। लेकिन सियासत के इस चमकते सितारे ने निजी जिंदगी की लड़ाई भी पूरी शिद्दत से लड़ी। ग्वालियर राजघराने में जन्म लेकर राजस्थान के सियासी फलक पर चमक बिखेरने वाली वसुंधरा राजे को प्रदेश की इकलौती महिला मुख्यमंत्री होने का गौरव हासिल है। हार से जीत और फिर इतिहास रचने की राजे की कहानी काफी प्रेरणादायक है। वसुंधरा राजे उन राजनीतिज्ञों में से हैं, महिला होती हुई, जिनमें एक तरह की दबंगई थी जिस तरह मिसेज इंदिरा गांधी में थी, और उन्होंने अपनी शर्तों पे काम किया। तो चलिए एक नजर डालते हैं वसुंधरा राजे की जिंदगी के सफर पर। वसुंधरा राजे का जन्म 8 मार्च 1953 को मुंबई में हुआ। पिता महाराजा जीवाजी राव सिंधिया ग्वालियर के शासक थे, जबकि माता राजमाता विजया राजे सिंधिया आजादी के बाद एक बड़ी नेता के रूप में उभरी। वसुंधरा बचपन से ही घर से दूर रही। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट कोडाईकनाल से पूरी की, जबकि कॉलेज की पढ़ाई सोफिया कॉलेज मुंबई से पूरी की। यहाँ से उन्होंने अर्थशास्त्र में ग्रेजुएशन और राजनीति शास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। 1972 में वसुंधरा राजे की शादी धौलपुर राजघराने के महाराजा हेमंत सिंह से हुई, लेकिन ये शादी एक साल के अंदर ही टूट गई। पति से अलगाव के बाद वसुंधरा ने खुद को जनता से जोड़ दिया और जनसेवा की नेक नियत के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया। 1984 में वसुंधरा राजे बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल हुई और भिंड लोकसभा से चुनाव लड़ा, लेकिन 87,000 वोटों से हार गए, जिससे उनकी मां काफी चिंतित हो गई। उन्होंने राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष भैरव सिंह शेखावत को अपनी चिंता बताई। शेखावत ने राजमाता को सलाह दी कि वो वसुंधरा को दोबारा ससुराल भेज दें। वसुंधरा राजस्थान चले गए। उनका यह फैसला सही भी साबित हुआ। 1985 में पहली बार धौलपुर से विधायक बनी और उसके बाद सफलता उनके कदम चूमने लगी। लगातार 5 सांसद रहे। वाजपेयी सरकार में विदेश राज्य और कार्मिक मंत्रालय जैसे विभागों की मंत्री रही। 2003 का दौर वसुंधरा के लिए सफलता के नए अवसर लेकर आया। विधानसभा चुनावों को लेकर प्रदेश में बड़े चेहरे के लिए जूझ रही बीजेपी ने वसुंधरा को आगे किया। वसुंधरा ने इस अवसर को दोनों हाथों से लपका। गहलोत सरकार के खिलाफ प्रदेश भर में परिवर्तन यात्रा निकाली। इस यात्रा के जरिए उन्होंने आम जनता को नए सपने दिखाए, प्रदेश सरकार की विफलताएं गिनाई और विकास का रोड मैप रखा। खासतौर से वसुंधरा राजे महिलाओं को लुभाने के लिए जिस इलाके में जाती उसी इलाके की वेशभूषा पहनकर जाती थी। वसुंधरा का ये रूप लोगों को खूब भाया। नतीजा ये हुआ कि विधानसभा चुनाव में वसुंधरा राजे भारी बहुमत के बल पर पार्टी को सत्ता में ले आया। बीजेपी ने 200 में से 120 सीटें लाकर इतिहास रच दिया। इससे पहले कभी भी भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की राजनीति में बहुमत नहीं ला सकी। पार्टी नेता भैरव सिंह शेखावत 1977 में 152 सीटें लाने वाली जनता पार्टी के समय बहुत जोर तोड़ से मुख्यमंत्री बने थे,
लेकिन उसके बाद उनके नेतृत्व में बीजेपी कभी भी 95 का आंकड़ा पार नहीं कर सकी। कि वसुंधरा राजे के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी है वो पहली बार प्रदेश में पूर्ण बहुमत से आई। उससे पहले भैरव सिंह जी बहुत बड़े नेता थे, लेकिन वो माइनॉरिटीज़ को मैनेज करके और जनता दल के साथ मिलके सरकार बनाई, जनता पार्टी में भी वो मिले जुले में थी, तो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी स्थापित नहीं हुई थी। तो आप ये मान सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में अगर किसी ने स्थापित किया तो वसुंधरा राजे हैं। लेकिन 2008 में सत्ता गंवाने के बाद वसुंधरा का कद पार्टी में घटने लगा। 2009 के लोकसभा चुनाव में पार्टी की बड़ी हार के बाद उन्हें नेता प्रतिपक्ष से भी हाथ धोना पड़ा। उनकी मुश्किलें बढ़ने लगी। कैडर से बंधे आरएसएस और बीजेपी के नेताओं को वसुंधरा राजे की महारानी वाले अंदाज की कार्यशैली से हमेशा शिकायत रही। पार्टी में उनकी सत्ता को चुनौती देने के लिए जयपुर में समानांतर राजनीतिक नेतृत्व उभारा जाने लगा। अप्रैल 2012 में वसुंधरा की जगह नेता प्रतिपक्ष बने गुलाब चंद कटारिया ने 28 दिन की मेवाड़ यात्रा निकालने की घोषणा कर दी। माना जाता है कि कटारिया खुद को सीएम पद के दावेदार के तौर पर प्रोजेक्ट करना चाहते थे, जो वसुंधरा को नामंजूर था। उन्होंने सीधे हाईकमान को चुनौती दे डाली और पार्टी छोड़ने की धमकी दे दी। इस धमकी के पीछे बीजेपी के 79 विधायकों में 56 विधायकों के समर्थन की ताकत थी। हाईकमान ने वसुंधरा की ताकत समझ ली और 2013 का चुनाव भी वसुंधरा को आगे रखकर ही लड़ा गया। राजा ने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। कांग्रेस 21 सीट पर सिमट गई। 163 सीट जीत कर वसुंधरा ने अपनी ताकत का एहसास कराया और दूसरी बार प्रदेश के सीएम का पद छोड़ा। सीएम के रूप में वसुंधरा राजे ने राजस्थान के समग्र विकास और विकास से वंचित लोगों के उत्थान के कामों को सर्वाधिक महत्व दिया। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान अक्षय कलेवा, मिड डे मील योजना, पन्ना धाय, भामाशाह योजना, हारी रानी बटालियन और महिला सशक्तिकरण जैसी कई बड़ी योजनाओं की शुरुआत की। वो दबंग वसुंधरा राजे इस बार बिल्कुल चुप वसुंधरा राजे, और आप देखिए कि उन्होंने चुप खेल कर है कि भी अपने गेम को लगभग ठीक खेला है। उनको शुरुआत में ऐसा लगता था कि उनके लोगों को इग्नोर किया जा रहा है, लेकिन बाद में ऐसा माना जाता है 40-50 के बीच में जो टिकट दिए गए हैं वसुंधरा राजे के समर्थक ले गए हैं। इसका मतलब ये है कि अभी वो रेस से बाहर नहीं है। 2018 की हार के बाद बीजेपी एक बार फिर सत्ता में वापसी के मिशन में जुटी हुई है। जाहिर है वसुंधरा राजे के प्रशंसकों का एक वर्ग इस मिशन में राजे की बड़ी भूमिका देख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, राजस्थान।